आज हम एक वेट लॉस हर्बल सूप बनाएंगे जो कि नेगेटिव कैलोरी फूड आइटम है। इसको आप ड्रिंक की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और नेगेटिव कैलोरी फूड आइटम का मतलब ये होता है कि आप इसका इंटेक जितना करेंगे उतना फटाफट आपका वेट रिड्यूस होगा। ये मेरे घर के होम गार्डन का आज का हार्वेस्ट है जिनको कि मैं सूप के अंदर इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे प्याज के पत्ते हैं, जो अवेलेबिलिटी है आप उसके हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अदरक एंड लेमन, ये बेस इंग्रेडिएंट है, ये आपके पास होना चाहिए। साथ में ब्रोकली को बहुत बारीक बारीक काट के मैंने इसका भी इस्तेमाल किया है। और देखिए यहाँ पे ये सेलरी है, ये लिवर डिटॉक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये आपके गाजर के पत्ते हैं और लास्ट में ये हमारा धनिया है। ये तीनों चीज़ें लिवर के डिटॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे चेरी टोमेटोज है, अगर अवेलेबल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब चीज़ों को बस बारीक काट के ग्रेट करके आपको 4 कप पानी में डालना है। और उसको आप चाहें तो खुला भी पका सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इसको एक कुकर में डाल के आप इसकी एक सीटी भी ले सकते हो। छान के इस तरीके से आप इसको एज अ ड्रिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप इसको ना छानना चाहें तो एज अ सूप आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारी फ्रेश हर्ब्स इस्तेमाल की हैं। इसमें विटामिन सी का बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, तो आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। और साथ में एक बड़े बाउल में अराउंड आपके 8 से 10 कैलोरीज होती हैं, तो बॉडी को इसको प्रोसेस करने में इससे कहीं ज़्यादा कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम इसको नेगेटिव कैलोरी फूड आइटम बोलते हैं, यानी कि आप खा के वेट लॉस करेंगे। अब ये दूसरे पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये मैंने सूप बनाने के लिए एक बेस बना के रखा हुआ है। आप मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें मैंने बहुत सारे सूप्स के बारे में डिस्कस किया है। इस बेस को जो कि मैंने आज के हार्वेस्ट से बनाया है, वेजिटेबल्स के हार्वेस्ट से, मैं इसको सूप के बेस की तरह काम में लेती हूं, तो दूसरी वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपके पास भी टाइम का इश्यू रहता है तो इस तरीके से आप अपने सूप के लिए वेजिटेबल चॉप करके फ्रिज में रख सकते हैं, और जब आप इसका इस्तेमाल करें तब इसको निकाल के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।